हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाई एस राघव क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 1 जून 2020 करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का पार्ट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स हो गया है किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर, ये सब आप जानते ही होंगे। फ्रेंड्स, कोशिश हमारी यही रहती है कि करंट अफेयर्स के दिन भर में जितनी भी घटनाएं होती हैं देश या विदेश में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएं जो कि आपकी परीक्षाओं में आपके लिए आ सकें। तो फ्रेंड्स, कोशिश हमारी यही है कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की। पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जितने भी दिवस होते हैं ये हमारी विभिन्न परीक्षाओं में 1 से 2 या 3 नंबर तक के ये आ सकते हैं, तो इसलिए हमें दिवस पर भी फोकस करना चाहिए। इम्पोर्टेंट जितने भी दिवस हैं वो हम अपनी वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन है ए 31 मई, बी 29 मई, सी 30 मई और डी 28 मई। तो सही ऑप्शन यहाँ आपको दे ही रखा है, 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। किस राज्य ने हाल ही में अपना राज्य दिवस मनाया है फ्रेंड्स? ठीक है, हाल ही में अपना राज्य दिवस किसने मनाया है? गोवा ने फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि आप उत्तर में देख ही रहे हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, गोवा है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, और इसी के साथ गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं इस समय प्रमोद सावंत, और इनके राज्यपाल हैं इनके सत्यपाल मलिक। ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में रविशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा भारत का पहला कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? नंबर ए कोविड पोर्टल, नंबर बी भीम पोर्टल, नंबर सी AI पोर्टल और नंबर डी सुरक्षा पोर्टल। तो सही उत्तर आप देख ही रहे हैं, AI पोर्टल। रविशंकर प्रसाद द्वारा ये पहला पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत का, AI पोर्टल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति पुंटियस सेक्टर खोजी गई है? ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो कि हाल ही में खोज हुई है मछली की। तो सही उत्तर है इसका फ्रेंड्स डी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुंटियस सेक्टस खोजी गई है। इसी के साथ हम तमिलनाडु के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी तो आप जानते ही होंगे, चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस समय इदा पड्डी पल्ला पलनी स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तमिलनाडु के बारे में भी हमने जाना, इनकी राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना देख लेते हैं हम पांचवा में है क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य में आने वाले यात्रियों से COVID-19 नकारात्मक सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया है? जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि
कि पूरा देश और पूरा विश्व इस समय इस महामारी से, कोरोना वायरस नामक महामारी से त्रस्त है। तो ऐसे में अपने भारत के एक राज्य हैं गोवा, सही उत्तर है गोवा, इसने COVID-19 नकारात्मक सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं गोवा अभी इससे बचा हुआ है, उसमें ज़्यादा त्रासदी नहीं हो पाई है गोवा में, और गोवा ने अपने आप को रिकवर करके ग्रीन जोन में भी घोषित कर लिया है गोवा ने अपने आप को। तो उसने बाहर से जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए नकारात्मक सर्टिफिकेट, यानी उन्हें ये कोरोना वायरस महामारी नहीं होनी चाहिए, इस तरह का सर्टिफिकेट लेकर गोवा राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत बढ़कर $73.46 बिलियन हुई है? तो हाल ही में वित्त वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत बढ़ के $73.46 बिलियन हो गई है? तो 18% बढ़ के यह $73.46 बिलियन हो गई है वित्त वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। हाल ही में 2020 में आई रिपोर्ट प्रेस स्वतंत्रता सूचनांक में भारत की क्या रैंक रही, यानी कि कौन सा स्थान भारत का रहा? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और रैंक हमेशा बदलती रहती है। तो इस समय भारत की जो रैंक है वो है ऑप्शन सी 142 नंबर, किसमें? प्रेस स्वतंत्रता सूचनांक में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 से होने वाली प्रत्येक मौत के विस्तृत विश्लेषण करने का आदेश दिया है? यानी जो भी मौत COVID-19 कोरोना वायरस के कारण होगी उसका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा, तो वह राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी है मध्य प्रदेश की, आप सब जानते होंगे, भोपाल। और इसी के साथ में यहाँ के अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और इससे हमारे कभी भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए इनको डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। नवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? यस बैंक के बारे में आपने सुना ही होगा, पिछले कुछ महीनों में इसके अंदर काफ़ी क्राइसिस उत्पन्न हो गए थे, लेकिन भारत सरकार ने इसकी सहायता करके और अन्य बैंकों ने भी इसकी सहायता करके इसको उबार लिया है यस बैंक ने। तो इसने डिश टीवी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो सही उत्तर आपके सामने दे ही रखा है, ए 24.19% की हिस्सेदारी इसने डिश टीवी में हाल ही में खरीदी है यस बैंक ने। ठीक है, अपना दसवां क्वेश्चन, हाल ही में PFC के नए चंद किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है रविंद्र सिंह ढिल्लो, जैसा कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, PFC की फुल फॉर्म मैं आपके लिए बता देता हूँ, PFC की फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म ही हमें पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC ने हाल ही में अपने नए चंद यानी CMD जिसको नियुक्त किया है वो हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
तो इसी आशा के साथ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगे और आपके भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें काम आए, मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।